यस स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि कंप्यूटर में कितनी मेमोरी होती है और उनको किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। तो देखेंगे हम कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी यानी कंप्यूटर की मेमोरी का क्लासिफिकेशन कितने तरीके से किया गया है। चलिए देखते हैं। तो मेमोरी को हमने यहाँ पर दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो आपकी होती है प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी, और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को भी हमने तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट आपकी जो होती है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, सेकेंड कहलाती है आपकी कैश मेमोरी, और थर्ड आपकी होती है वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो कंप्यूटर से डिलीट नहीं होती है, कैश मेमोरी वो होती है जो सीपीयू के सबसे पास में होती है, और वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जो सर्किट यानी बिजली सप्लाई बंद होने के बाद कंप्यूटर से उड़ जाती है। अब सेकेंडरी मेमोरी को हम देखेंगे तो इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है आपका सिक्वेंशियल एक्सेस और सेकेंड है आपका डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है कि आपको क्रम अनुसार मेमोरी में एक्सेस करना होता है, और डायरेक्ट एक्सेस का मतलब ये होता है कि आप उसमें कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब प्राइमरी और सेकेंडरी को हमने डिवाइड कर लिया तीन और दो भाग में। अब हम आगे बात करेंगे कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉन वोलेटाइल मेमोरी को चार भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है आपका रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड है आपका पीरोम। पीरोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थर्ड है आपका ईपीरोम। ईपीरोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फोर्थ है आपका ईईपीरोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हमने नॉन वोलेटाइल मेमोरी को कितने भागों में डिवाइड किया, रोम, पीरोम, ईपीरोम और ईईरोम। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हम फ्लो चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्लो चार्ट में हम देखेंगे कि मेमोरी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और उनके कितने पार्ट्स हैं। तो अब वोलेटाइल की बात करें, अभी तो हमने नॉन वोलेटाइल की बात की है, अब नॉन वोलेटाइल की बात करें तो वोलेटाइल मेमोरी को हमने डिवाइड किया हुआ है रैम में। अब रैम हमारे पास यहाँ दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट यहाँ पर दी हुई है आपकी डायनामिक रैम और सेकेंड दी हुई है स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम में क्या होता है, डायनेमिक रैम गतिशील रहती है और स्टैटिक रैम स्थिर रहती है। अब डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को यहाँ पे हमने तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट यहाँ पे है मैग्नेटिक डिस्क, सेकेंड है ऑप्टिकल डिस्क, और थर्ड है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक डिस्क में आप मैग्नेटिक फॉर्म में किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, ऑप्टिकल डिस्क में आप ऑप्टिक फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं मेमोरी को, और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में आप इलेक्ट्रिकली किसी भी मेमोरी में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब मैग्नेटिक डिस्क की बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क दो तरीके की होती हैं यानी दो फॉर्म में होती हैं। एक फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे वो कहलाती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है एक टाइप से मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, और हार्ड डिस्क है वो भी मैग्नेटिक डिस्क है और इसमें आप मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क को भी हमने यहाँ पे चार भागों में बांटा हुआ है, पाँच भागों में। फर्स्ट है आपका BRD। BRD का फुल फॉर्म होता है ब्लू रे डिस्क। सेकेंड है CD-ROM यानी कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। थर्ड ऑप्टिकल डिस्क है CDR यानी कम्पैक्ट डिस्क रीड मेमोरी। फोर्थ है CD-RNW यानी कम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। इसमें केवल आप CDR में रीड कर सकते हैं और CD-RW में आप रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। थर्ड है आपका DVD। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यहाँ पे हमने दो भागों में डिवाइस किया है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस को कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, दो भागों में। पहला है आपका
फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी जैसे पेन ड्राइव, और सेकंड है मेमोरी कार्ड यानी चिप। यानी मेमोरी कार्ड और चिप, फ्लैश मेमोरी, ये सारे कैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और ये पेन ड्राइव कैसी है, फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, और चिप है आपका मेमोरी कार्ड। तो दोस्तों इस तरीके से मेमोरी के फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने आपको दिखाया है कि कौन कौन सी मेमोरी होती है, कौन वोलेटाइल होती है, कौन नॉन वोलेटाइल होती है, सिक्वेंशियल कौन होती है, रैम के अंदर कौन कौन सी आती है, डायनेमिक रैम क्या होती है, स्टैटिक रैम क्या होती है। अब इसकी डिटेल हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। मैंने ब्रीफ में आपको समझा दिया है कि मेमोरी कितने टाइप की होती है और कैसी कैसी होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे, एक एक करके हम सबका डिटेल देखेंगे।